सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम में आप सभी पाठक महानुभावों का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आज हम वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी के कारक प्रकरण की 15वीं कक्षा को पढ़ने जा रहे हैं और जो भी महानुभाव वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी के संपूर्ण कारक प्रकरण को पढ़ना चाहते हैं वे सभी महानुभाव इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके इन सभी कक्षाओं को पढ़ सकते हैं अथवा इस देववाणी संस्कृतम ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके वहां पर कोर्स को परचेज करके ऑनलाइन सरल ढंग से संपूर्ण वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी के कारक प्रकरण को पढ़ सकते हैं। आइए मित्रों, गत कक्षा में मैंने आपको अंतिम सूत्र पढ़ाया था उपोधिकेच, ठीक है, उपोधिकेच ये सूत्र हमने बता दिया था और हीने अर्थ में इसका जो उदाहरण था वो दे दिया था। अधिके अर्थ में उप का उदाहरण आगे आने वाला है, वहां पर आएगा। तो अंतिम उदाहरण था हीन में उपहरिम सुराह, माने सुर लोग हैं वो हरि से कमजोर हैं, न्यून हैं। अब आइएगा आगे सूत्र है आपका लक्षणेत्थम भूताख्यान भाग वीप्सासु प्रतिपर्यनवः, ठीक है, प्रथम अध्याय के चौथे पाद का ये 90वां सूत्र है। इसका पदच्छेद सीधा सीधा है, ये संपूर्ण सप्तमी विभक्ति एक बहुवचनांत पद है, ठीक है, ये प्रतिपर्य नवः प्रथमा विभक्ति बहुवचनांत है, ठीक। इनके अंदर समास है, समास हम आपको दिखला देते हैं। समास, समास देखिएगा, पहले इत्थं भूतस्य आख्यानम इत्थं भूताख्यानम नाम, ठीक है। इत्थं भूताख्यानम ये षष्ठी तत्पुरुष समास हुआ, इसमें अलग प्रकार से तोड़ तोड़ करके समास करना पड़ेगा हमें, तत्पुरुष समास, ठीक है। और फिर अब इसका आगे आगे अब आगे समास करते हैं। आगे है आपका लक्षणं च इत्थं भूताख्यानं च
भागश्च बीप्साच लक्षणे थम भूताख्यान भाग वीप्साह तत्तस्तासु वीप्सासु लक्षणित्थम भूताख्यान विभाग वीप्सासु, ये इसमें हुआ आपका इतरेतर योग द्वंद्व समासः। ठीक है, अब यहां पर एक अर्थ को यहां पर हम खोल देते हैं और तो सरल है। ठीक है, और अभी हम आपको बताएंगे इसका क्या अर्थ है। इसकी व्युत्पत्ति है कि कंचित प्रकारम प्राप्तम, क्या कंचित प्रकारम प्राप्तम इत्थं भूतः, ठीक है, कंचित प्रकारम प्राप्तम इत्थं भूतम, इस प्रकार को प्राप्त हो गया है किसी के किसी प्रकार से। इसके आगे उदाहरण आ जाएंगे कि ऐसा नहीं था, इस प्रकार से किस कैसे भी ऐसा बन गया, ऐसा हो गया, उसको बोलते हैं इत्थं भूतः। ठीक है, ये कोई समास नहीं है, ये मिला हुआ है, मतलब समास इसको कह सकते हैं, मयूर व्यंजक आदि समास से सूत्र से समास कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका हुआ। चलिए अब हम वहां चलते हैं सूत्र पर, ये समास समझ में आ गया। अब इसके अंदर जो शब्द हैं उनका अर्थ हम देख लेते हैं। आइए ये देखिएगा, इसके अंदर कितने शब्द, लक्षण इत्थं भूताख्यान और भाग और बीप्सा, ये मुख्य रूप से चार शब्द हैं आपके। ठीक है, चार शब्द, चार शब्दों का अर्थ हम यहां पर देखते हैं। ठीक है, यहां पर देखेंगे, देखिएगा, किंचित प्रकारम प्राप्त अथवा अयम प्रकार इत्थम और तम प्राप्त इत्थम भूत, माने ये इसका अर्थ है। अयम प्रकार माने ये इत्थम का अर्थ होता है इस प्रकार से, और उसको किसी प्रकार से प्राप्त हुआ इत्थम भूत कहलाता है। ठीक है, तस्या अच्छा, और तस्य आख्यानम उस के आख्यान माने उस कथन को, उस कथन में, ये अर्थ आएगा उस कथन को प्राप्त। तो इत्थम भूत का अर्थ मैंने पहले बता दिया, अब देखिएगा यहां पर भी वही है, तस्याख्यानम उपपादकम इत्थम भूताख्यानम, माने इस प्रकार से प्राप्त हुआ है इस कथन को कहने में। ठीक है, आख्यान में कहने में, ठीक है, सप्तमी है। भागः, भागः का अर्थ होता है स्वीकार्योंशः तत्स्वामी विवक्षितः। यहां पर भागः का अर्थ है मित्रों कि स्वीकार्य अंश, क्या स्वीकार्य अंश माने जो किसी के द्वारा स्वीकार करने योग्य जो अंश होता है और उसका जो स्वामी, ठीक, स्वामी विवक्षितः। तुम कार्त्सेन संबंधुम इच्छा वीप्सा, वीप्सा का अर्थ है कि जब हम किसी शब्द के द्वारा उस शब्द के अर्थ के संपूर्ण अर्थ को कहने की इच्छा करते हैं तब वीप्सा होती है। जैसे हम बोलते हैं घर घर, ठीक है, घर घर, घर घर माने संपूर्ण संसार में जितने घर हैं वो सभी घर, ठीक है, तो उसको बोलते हैं वीप्सा। व्याप्तुम कार्त्सेन माने संपूर्ण रूप से,
संबंधुम माने संबंध करने के लिए, किसका अर्थ शब्द का और अर्थ का, इच्छा जो इच्छा है उसको ही भिप्सा कहा है। ठीक है, आगे समास बता दिया मैंने। अब आ जाइएगा, अब हम इसका अर्थ देखते हैं। अच्छा है, अभी एक समास और बचा हुआ है, इसका भी समास हम कर देते हैं। चलिए इसका यही समास कर देते हैं। प्रतिपर्य नवह, तो प्रति च परि च अनु च प्रतिपर्य नवह, ये द्वंद ये हुआ आपका इतरेतर योग द्वंद्व। ठीक है, इतरेतर योग द्वंद्व समास हो गया, सरल है पूरा, वो पीछे छूट गया, ध्यान से उतर गया। चलिए अब आइएगा आगे, इसका अर्थ देखते हैं। एश्वर्थेषु विषय भूतेषु प्रत्यादयः उक्त संज्ञाः स्युः। क्या कहा मित्रों, इन्होंने कहा कि एशु माने इनमें, ये चार हैं, चार अर्थ, एशु अर्थेषु इन अर्थों में, विषय भूतेषु माने प्राप्त हुए, माने इन अर्थों को कहने में अथवा इन अर्थों के प्रकट करने के अर्थ में, दोत करने के अर्थ में, ये प्रति परि अनु ये तीन उपसर्ग हैं, ये प्रत्यादय उपसर्ग क्या, उक्त संज्ञा स्यु, उक्त संज्ञा माने ये आपके कर्म प्रवचनीय संज्ञक होते हैं। उदाहरण दिखा रहे हैं, लक्षण में वृक्षम प्रति परि अनु वा विद्योतते विद्युत, पूरा अर्थात एक ही में कुछ कुछ लगा सकते हैं आप, जैसे एक वृक्षम प्रति विद्योतते विद्युत, अथवा वृक्षम परि विद्योतते विद्युत, वृक्षम अनु विद्योतते विद्युत, तीन उदाहरण बन जाएंगे तीनों उपसर्गों के, अर्थ वही है। प्रति परि अनु का यहाँ पर अर्थ है अतः लक्षण, लक्षण तो लक्षण अर्थ, लक्षण माने विद्युत चमकी, माने हम बोलते हैं जब बादल गरजते हैं तो बिजली तड़पती है, तो किसी ने कहा बिजली तड़पती है भाई, तो किसी ने पूछा कहाँ तड़पती है, तो उस व्यक्ति ने उसको बताया इशारा करके कि उस वृक्ष के ऊपर अर्थात वृक्ष की साइड में, वृक्ष की ओर विद्युत विद्योतते माने चमकती है, वायु उधर तड़प रही है। तो ये क्या है, लक्षण, लक्षण अर्थ में ये उपसर्ग विद्यमान है, क्योंकि लक्षण माने चिन्ह, लक्षण माने चिन्ह, चिन्ह हम विद्युत का, विद्युत बताने के लिए कहां पर चमकी है चमकती है, तो हम चिन्ह बता रहे हैं वृक्ष, वृक्ष को इशारा कर रहे हैं, इसलिए लक्षण दिया जा रहा है वहां पर। ठीक है, लक्षण दिया जा रहा है, इसलिए लक्षण में विद्यमान या प्रतिपरि है, इसलिए इनके योग में वृक्ष में द्वितीया हो गई कर्म प्रवचनीय युक्त द्वितीया से। चलिएगा और देखिए, इत्थम भूताख्याने, इत्थम भूताख्यान में भक्तो विष्णुं प्रति परि अनु वा, ठीक है, यहां पर क्या है, जो भक्त है कोई, भक्त है विष्णु के प्रति, इस प्रकार के भाव को प्राप्त हो गया है, अर्थात भक्तत्व को प्राप्त हो गया है। ठीक है, यहां देखिए टीका में और स्पष्ट हो जाएगा आपको, भक्तो विष्णु प्रतीति भज सेवायाम, ये इस धातु से भक्त बना हुआ है। ठीक है, भक्त का अर्थ है भक्ति करने वाला, विषयता संबंध प्रत्यादि द्योत्स्य द्वितीयार्थ तस्य भक्त भक्तौ एक देशे अन्वय, विष्णु विषयक भक्तिम भक्तिमान इत्यर्थ। ठीक है, इसका अर्थ है विष्णु विष्णु विषयक भक्तिमान इत्यर्थ। तो ये भक्त कैसा हो गया है कि भक्ति से भक्ति को प्राप्त हो गया, विष्णु जी की भक्ति को प्राप्त हो गया, जो भक्ति को प्राप्त नहीं था वो भक्ति को प्राप्त हो गया, वही कहा। अत्र
भक्तः भक्ति रूपम प्रकार विशेषम प्राप्तत्वात् इत्थम भूतः। माने भक्ति रूप विशेष को प्राप्त हो गया, इसलिए क्या है, किसकी भक्ति को प्राप्त हुआ है, विष्णु जी को। तो विष्णु जी में इसकी इसकी कर्म प्रोचीन संज्ञा हो गई प्रति की, तो प्रति के योग में यहाँ पर विष्णु में द्वितीय हो गई। बस सरल है, इसमें कोई कठिन नहीं है। चलिए आगे उदाहरण, ठीक है। ऐसे ही आप करेंगे इसका, भक्तो विष्णु परि, भक्तो विष्णु अनु, दोनों सबका तीनों का एक ही अर्थ है। भागे, भाग में देखिएगा, लक्ष्मी हरिम प्रति परि अनु वा। भाग, भाग का अर्थ क्या बताया था, स्वामी। तो इस उदाहरण का अर्थ है कि लक्ष्मी हरिम प्रति, माने जो हरि स्वामी है उनकी है, उनका भाग है, उनका अर्थात तत्स्वामी। तो तत्स्वामी माने स्वामी को कहने के अर्थ में ये प्रति है यहां पर, ठीक है। तो लक्ष्मी के स्वामी कौन है, हरि, ठीक है। तो भाग का अर्थ क्या बताया था, भाग अर्थात तो उसका स्वामी के अर्थ को द्योतित करने वाला। तो या लक्ष्मी ही हरिम प्रति, तो प्रति क्या द्योतित कर रहा है, लक्ष्मी का स्वामी है हरि, ठीक है। अर्थात लक्ष्मी उनका, अर्थात उनकी है, यहां पर यह अर्थ है। ऐसे ही लक्ष्मी हरिम परि अथवा अनु, कुछ भी लगा लीजिएगा। तो तत्स्वामी ये अर्थ ही होता है, भाग स्वीकार्यो अंशः, ठीक है। तत्स्वामी विवक्षितः, यहाँ पर उसका स्वामी माने किसका भाग, स्वामी का भाग, और किसी का भाग नहीं, स्वामी का भाग अर्थ में यहाँ वो द्योतित होने पर यहाँ क्या हो जाती है, प्रति की और अनु की और परी की कर्म प्रवचनी संज्ञा हो जाती है। कर्म प्रवचनी संज्ञा होने से कर्म प्रवचनी युक्त द्वितीय से हरि में द्वितीय हो गई। अब आ जाइएगा आगे, वही दिया, हरे हे भाग इत्यर्थ, हरि का भाग है, क्या हरि का भाग है, हरि का भाग अर्थात हरि के ही, हरि की पत्नी है तो हरि का भाग है, वो हरि का हिस्सा है, ठीक है। और कोई ले सकता, अर्थात लक्ष्मी के स्वामी कौन है, हरि। वीप्सायाम वृक्षम वृक्षम प्रति परि अनु वा सिंचति। वीप्सा अर्थ में देखिए, वीप्सा में वृक्षम वृक्षम प्रति प्रति सिंचति अथवा वृक्षम वृक्षम परिसिंचति अथवा वृक्षम वृक्षम अनुसिंचति। तो अब ये वृक्षम वृक्षम जब वीप्सा होती है, माने संपूर्ण पदार्थ को हम कहना चाहते हैं शब्द के द्वारा, तो उसको क्या है, द्वित्व हो जाता है। नित्य वीप्सयोसि एक सूत्र है आठवें अध्याय में, उससे क्या हो जाता है, शब्द को दो प्रकार उच्चारण हो जाता है। तो वृक्षम वृक्षम प्रति माने प्रत्येक वृक्ष को सींचता है, पानी देता है, बगीचा है उसके अंदर प्रत्येक वृक्ष को पानी देता है, किसी को छोड़ता नहीं है माली। तो ये यहां पर इसकी इनकी कर्म प्रचय संज्ञा होने से वृक्षम वृक्षम में कौन सी व्यक्ति हो गई, द्वितीय व्यक्ति हो गई। अब यहां थोड़ा सा बता रहे हैं कि अत्र उपसर्गत्व अभावात् न सत्वम्। यहाँ क्या हुआ, ये कर्म प्रवचनी संज्ञा ने उपसर्ग संज्ञा का बाध कर दिया, माने अब पहले इसकी उपसर्ग संज्ञा भी थी, परंतु इस अर्थ में वीप्सा में इसकी उपसर्ग संज्ञा नहीं है, गति संज्ञा नहीं है, ठीक है, नहीं है मित्रों। इसलिए क्या हुआ, अब यहाँ उपसर्ग जो इसको क्या होता है, प्रति और परि और अनु, इनसे उत्तर क्या, सिंचती के सकार को मूर्धन्य प्राप्त होता है श, ठीक है। तो वो नहीं हुआ क्योंकि उपसर्ग होना चाहिए, इनकी उपसर्ग संज्ञा होनी चाहिए, तभी मूर्धन्य सकार होता है सिंचती के सको। तो वही कहा, अत्र उपसर्गत्व अभावात् न सत्वम्, उपसर्ग की संज्ञा न होने के कारण से यहाँ सत्व नहीं हुआ। एशु किम माने इन अर्थों में ये विद्यमान होते हैं, ऐसा क्यों कहा, सामान्य रूप से कह देते तो कहते हैं परिसिंचति, माने सामान्य रूप से परिसिंचति माने सब तरफ सेचन करता है, तो कुछ छूट भी जाते हैं, कुछ नहीं छूट, छूटते भी नहीं है, कुछ भी हो सकता है, सामान्य सेचन है। तो यहाँ पर क्या हुई, इसकी कर्म प्रवचनी संज्ञा नहीं हुई है, यहाँ पर क्या हो गई, उपसर्ग संज्ञा और गति संज्ञा इसकी है, प्रादय उपसर्गा क्रिया योग से इसकी उपसर्ग संज्ञा है और गतिश्च से गति संज्ञा है,
तो यहां पर क्या है, यहां पर इसको षत्व हो गया, क्या है, इसको मूर्धन्य षकार हो गया। तो मूर्धन्य षकार का आठवें अध्याय के तीसरे पाद में सूत्र है, तो वो हमें सिद्धि नहीं करनी, बस इतना ही है। यहां उपसर्ग संज्ञा होने से यहां सिंचती के सकार को मूर्धन्य षकार हो गया, तो परिसिंचति। ठीक है मित्रों, तो इस कक्षा में हमने मित्रों ये पूरा सूत्र पढ़ा, ये थोड़ा सा बड़ा है ठीक है, परंतु ये बहुत महत्वपूर्ण भी है, इसका प्रयोग भी बहुत अधिक आता है साहित्य के अंदर। तो आप इस सूत्र को पूरा अच्छी प्रकार से समझिएगा, मैं एक बार इसकी समरी बता देता हूं। लक्षण, ठीक है, लक्षण, लक्षण अर्थ में विद्यमान, अर्थात लक्षण को द्योतित करने वाले ये प्रति परि अनु उपसर्ग होंगे। तो और इत्थम भूताख्यान, माने इस प्रकार से प्राप्त हुआ, किसी भी चीज को प्राप्त हुआ जो पहले नहीं था अब प्राप्त हो गया है, उसको कहने के अर्थ में। और भाग, भाग माने अंश, कैसा अंश, स्वीकार्य अंश, बलात् बलात् लिया हुआ अंश नहीं, स्वीकार्य अंश। और वो अंश किसका होना चाहिए, उस तत्स्वामी माने उसके स्वामी का अर्थ भी विवक्षित होना चाहिए। तो तत्स्वामी विवक्षिता ये दिखाया था यहां पर, तो उस जो भाग है वो स्वामी के साथ उसका संबंध होना चाहिए उस अर्थ में। और बीपसा, बीपसा माने शब्द के द्वारा, एक शब्द के द्वारा संपूर्ण उसके अर्थ को कहने की इच्छा होना। इन अर्थों में विद्यमान प्रति परि अणु होंगे तो उनकी क्या हो जाती है, कर्म प्रवचनीय संज्ञा। कर्म प्रवचनीय संज्ञा होने से क्या हुआ मित्रों, कर्म प्रवचनीय युक्ति द्वितीया से सब जगह उदाहरणों में द्वितीया दिखला दी। और कर्म प्रवचनी संज्ञा होने से इन अर्थों में विद्यमान ये उपसर्ग जब होंगे तब इनकी गति और उपसर्ग संज्ञा नहीं होगी, राइट। तो ये आज आपका सूत्र पूरा कंप्लीट हुआ मित्रों। आगे की कक्षा में मैं आपको ये आगे वाले सूत्र पढ़ाऊंगा, ठीक है, ये कारक प्रकरण है। हम अब तेजी से चल रहे हैं, हम बड़ी कक्षाएं इसलिए नहीं बना रहे हैं, आपको पढ़ने में सुविधा हो, छोटी छोटी कक्षाएं, ठीक है। चलिएगा मित्रों, इस कक्षा को अब हम यहीं विराम देंगे और आगे की कक्षा में मिलते हैं मित्रों। और आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि आप सभी पाठकों से निवेदन कीजिएगा, उनको सूचित कीजिएगा कि वो सभी कारक प्रकरण को पढ़ें। अस्तु सर्वेभ्यो नमः।